लर्न मोर कैड जाने का स्वागत है दोस्तों। आज हम ऑटोकैड में 2D में स्पून बनाना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पर बना हुआ है, अब दोस्तों हम यहाँ पर फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लाइन कमांड लेंगे, तो यहाँ पर हम पहली लाइन लगे 30 की, हमने इंटर किया। फिर हम दोस्तों दूसरी लाइन लेंगे 135 की, हमने इंटर कर दिया। दोस्तों हमने दो लाइन हमने बना दी। फिर हम दोस्तों सर्कल लेंगे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो वो सर्कल है 13 का, हमने 13 का सर्कल लिया। फिर हम दोस्तों अभी इस लाइन के फिर एंड पे हम सर्कल लेंगे, वो सर्कल होगा 22 का, हमने 22 का सर्कल ले लिया। फिर हमें इस लाइन के एंड पे फिर हम सर्कल लेंगे जिसका रेडियस होगा 12, हमने एंटर कर दिया। दोस्तों हमारा बन गया, फिर हम कमांड से बाहर हो गए। फिर हम दोस्तों लाइन कमांड लेंगे और तो ऑफ कर देंगे। अब इस लाइन के से हम लेके इस सर्कल पे एक हम टेंडेंट डालेंगे। इस पे एक टेंडेंट डाला और हमने इंटर कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ से हम मिरर लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इस लाइन के बिहाइंड रेफरेंस में हमें चाहिए हमें यहाँ से डाल दिया। दोस्तों इतना हमने कर दिया। फिर हम दोस्तों यहाँ से जाके स्नैप कास्ट, यहाँ से जाके हम ट्रांजिट पूरा ऑन कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, इस सर्कल से ले इस सर्कल से लेके इस सर्कल पे हम एक टेंजेंट डालेंगे। फिर दोस्तों इसको भी हम मिरर कर लेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंटर कर दिया। दोस्तों ये हमारा जितना हमने कर दिया। दोस्तों हम ट्रिम कमांड लेंगे TR डबल इंटर, और जो 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 पोर्सन हमें नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम करके हटा देंगे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा स्पून बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों हम इसका डायमेंशन दे देते हैं। इसका हम दोस्तों इसका हमने दे दिया, फिर हम इसका डायमेंशन दे देते हैं, फिर हम इसका भी डायमेंशन हमने दे दिया। फिर दोस्तों हम यहाँ से देखिए 30 का था ये हमारी लाइन। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 135 का डायमेंशन था। देखिए दोस्तों ये हमारा ऑटोकैड में 2D में स्पून बन के तैयार हो गया। दोस्तों इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।